अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर नंबर 6 ये वेक्टर प्रोडक्ट के साथ कंसर्न है कि इफ़ वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स इन सच अ वे दैट देयर प्रोडक्ट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी then the product of two vectors is called as a vector product. In this diagram we have multiply vector A with vector B in such a way that their product is another vector quantity. And in this figure vector A multiplied by vector B and their product is a scalar quantity. Again vector A multiplied by vector B and their product is once again vector quantity. Suppose we have two vectors A and B lying in a plane making an angle theta with each other. If we multiply them in such a way that their product is a vector quantity, then the product of two vectors is called as vector product. Okay, if we multiply two vectors in such a way that their product is a vector quantity, then the product of two vectors is called as a vector product. The vector product of two vectors can be represented by placing cross between two vectors, and that is why it is called as cross product. Any vector product is also known as a cross product. It is represented by placing cross between two vectors, and mathematically we can write it as A cross B is equal to magnitude of vector A, magnitude of vector B and sine of the angle between two vectors, and n is a unit vector which is perpendicular to the plane of vector A and vector B and also परपेंडिकुलर टू वैक्टर ए एंड वैक्टर बी. यानी आप ये समझ लें कि वैक्टर ए के साथ भी 90 का एंगल, वैक्टर बी के साथ भी 90 का एंगल, और उस प्लेन पर भी 90 का एंगल जिसमें ए और बी लाई करते हैं. यानी ये वाला यूनिट वैक्टर. वेयर एज एन इज अ यूनिट वैक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वैक्टर ए, वैक्टर बी एंड द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी. आप ये देख सकते हैं कि ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये है ए क्रॉस बी. यूनिट वेक्टर जो है इस वेक्टर की डायरेक्शन में लाई करता है. सिमिलरली दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज ए क्रॉस बी, और ये यूनिट वेक्टर लाइज इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी. Where n is a unit vector which is perpendicular to A, B and the plane containing A and B. The direction of unit vector can be found using right hand rule. Now if we reverse the order of multiplication, अगर हम multiplication के order को reverse करते, पहले हमने किया था A क्रॉस B और अब लिख दें B क्रॉस A, तो B क्रॉस A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B, मैग्नीट्यूड ऑफ A, साइन ऑफ द एंगल एंड नेगेटिव साइन के साथ यूनिट वेक्टर. दिस इक्वेशन शोज दैट ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन द वैल्यू ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो
vector product do not follows commutative law. अगर हम थोड़ा सा गौर से इस डायग्राम की तरफ देखें तो ये दोनों वेक्टर ए और बी हैं. अब अगर हम वेक्टर ए को बी से मल्टीप्लाई करें यानी ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी के लिए यूनिट वेक्टर ऊपर की तरफ है और अगर हम बी क्रॉस ए करें तो उसके लिए यूनिट वेक्टर नीचे की तरफ है. इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए. सो द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डू नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ. राइट हैंड रूल के वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी रिटन एज ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अलॉन्ग विद द यूनिट वेक्टर. दिस इज यूनिट वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन कैन बी फाउंड यूजिंग राइट हैंड रूल. तो अब हम आते हैं राइट हैंड रूल की तरफ कि व्हाट इज राइट हैंड रूल. सपोज टू वेक्टर्स ए एंड बी आर लाइंग इन अ प्लेन सच दैट देयर टेल्स आर कंसाइडिंग. के दो वेक्टर एक प्लेन के अंदर इस तरह पड़े हुए हैं कि दोनों वेक्टर्स की दुमें जुड़ी हुई हैं. इफ वी रोटेट वेक्टर ए टुवर्ड्स वेक्टर बी थ्रू द स्मॉलर एंगल अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द कर्ल ऑफ द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, देन द डायरेक्शन ऑफ इरेक्टेड थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर एन. यही फर्ज कर लें कि एक टेबल के ऊपर दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी. अगर हम वेक्टर ए को वेक्टर बी की तरफ इस तरह घुमाएं कि जिस तरह हमारे दाएं हाथ की उंगलियां घूमती हैं, तो अगर वेक्टर ए को वेक्टर बी की तरफ छोटे एंगल के लिए इस तरह घुमाया जाए जिस तरह दाएं हाथ की उंगलियां घूमती हैं, तो जो डायरेक्शन इरेक्टेड थंब की होगी दैट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर एन. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट में ये है द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन दे आर पैरेलल, यानी दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल जीरो है. ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन ऑफ जीरो. एज वी नो दैट साइन ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही बन जाएगा. विच मीन्स दैट द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स विल बी जीरो व्हेन दे आर पैरेलल टू ईच अदर. कि अगर दो वेक्टर्स बजाते खुद नॉन जीरो हों लेकिन वो अगर पैरेलल हैं तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट जीरो हो. द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई क्रॉस आई वन वन, साइन ऑफ जीरो मीन जीरो, यानी आई क्रॉस आई जीरो के बराबर. इन सिमिलर वे जे क्रॉस जे वुड आल्सो बी इक्वल टू जीरो एंड के क्रॉस के वुड आल्सो बी इक्वल टू जीरो. द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन ऑफ 90 डिग्री लॉन्ग विद एन. एज साइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू वन, सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी अलॉन्ग एन. विच मीन्स दैट द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हैव मैक्सिमम वैल्यू व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी वेक्टर प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम होगी व्हेन टू वेक्टर्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर. नाउ द वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स, here we can say I cross I, J cross J and K cross A is equal to 0 because angle between I and I is 0, J and J is 0, K and K is 0 and I cross J is equal to I का magnitude भी 1, J का magnitude भी 1 और दोनों का दरमियानी angle 90, whereas K is right angle to both I and J. So
I cross J is equal to K, and in similar way, J cross K is equal to I, and K cross I is equal to J. I cross K is equal to minus J, K cross J is equal to minus I, and J cross I is equal to minus K. आपने प्रोडक्ट के ये वाले जो फैक्टर्स हैं इनको अच्छी तरह याद रखना है. द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म, यानी थ्री डायमेंशनल स्पेस में ए के तीन कंपोनेंट, ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जी के, एंड थ्री कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बी, बी एक्स आई, बी वाई जे एंड बी जी के. ए एंड बी are two vectors in three dimensional space taking the vector product of A and B. We can write here as A cross B, components of vector A cross components of vector B. Here AXI will vectorially multiply with three components of vector B, and we can write it as AXBX I cross I, AXBY I cross J, AXBZ I cross K. And now Y component of vector A would be multiplied with three components of vector B vectorially, AYBX J cross I, AYBY J cross J, AYBZ J cross K. Now the z component of vector A would be multiplied with three components of vector B, AZBX, K cross I, AZBY, K cross J, AZBZ, K cross K. Now, putting the values of vector product of unit vectors, as we know, I cross I is equal to 0, and I cross J is equal to K, and I cross K is equal to minus J, and similarly J cross I is equal to minus K, and J cross J is equal to 0, and J cross K is equal to I, and similarly AZ similarly AZBX, yani J K cross I is equal to J, and K cross J is equal to minus I, and K cross K is equal to 0. अब जिन फैक्टर्स के साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है ये यानी इन कैलकुलेशन से इनको फारिग किया जा सकता है, तो लिहाजा हमारे पास नया रिजल्ट इस तरह से होगा कि ए क्रॉस बी ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई के साथ आई यूनिट वेक्टर, एंड ए जी बी एक्स माइनस AZBX minus AXBZ into J, and AXBY minus AYBX into K. तो इस तरह दिस इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म. दो वेक्टरों की ये प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म कैन बी रिटन एज
We can write the vector product of two vectors in component form like this. The vector product of two vectors can also be written in the form of determinant. A cross B is equal to determinant of I, J, K. Component of vector A, AX, AY, AZ, BX, BY, BZ. And if we expand this determinant, we will get AYBZ minus AZBY into I unit vector, AZBX minus AXBZ into J unit vector, AXBY minus AYBX into K unit vector. The magnitude of the vector product of A and B is equal to the area of a parallelogram formed with A and B as two adjacent sides of the parallelogram. In similar way, vector A, this is the side A of the parallelogram, this is side B of the parallelogram, and the magnitude of this vector is equal to the area of A cross B. बेटा उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर में वेक्टर प्रोडक्ट से मुतल्लिका काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी. आप इसको मज़ीद अपनी बुक से भी पढ़ें और इसको बार बार सुनने के बाद समझने की कोशिश करें. अल्लाह हाफिज़. अस्सलामु अलैकुम.